यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। इसके साथ आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी, काला जीरा या फिर इसको निगेला सीड्स भी कहा जाता है, इसको डालेंगे। आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक, यहाँ पर मेरे पास गरम तेल है, इसको डाल देंगे। ये मेरे पास 2 बड़े टेबलस्पून गरम तेल था। अगर आपको ज़्यादा खास्ता पसंद है तो फिर आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको चम्मच की मदद से मिला देंगे, फिर उसके बाद इसमें हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद जैसे ही आप इसको मुट्ठी बंद करेंगे, आप देख सकते हैं ये होल्ड हो रहा है। तो इस तरह का जब कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे और इसको गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको गूंद लिया है, ये नरम है। इसके ऊपर हल्का सा हम तेल लगा देंगे ताकि ये ड्राई अप ना हो। और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। अब इस कटोरी में थोड़ा सा मैदा लेंगे, और इसमें थोड़ा सा घी मिलाएंगे और इसको एक मोइन बना देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी आनी चाहिए। इस तरह से बड़े बड़े लोइयां बना दीजिए। इसके बाद इसमें हल्का सा चूना देकर पहले इसको बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही पतला बेल लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो मोइन बनाया था इसको लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब इसको हम टाइट टाइट फोल्ड करेंगे, बिल्कुल भी इसको लूज नहीं कर रखना है, इस तरह से।
अब यह हमारा फोल्ड हो चुका है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। कोई भी एक लोई लेकर इसको हल्का सा दबाएंगे। और इसको इसी तरह ही हम चौकोना बेलेंगे। इसको मैंने बेल लिया है, अब यही मोन लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम अप्लाई करेंगे। इसमें एक फोर्क की मदद से हम थोड़ा सा छेद कर लेंगे। और इसके दोनों कोनों को पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर एक बार हल्का सा मोइन यहाँ पर भी लगाएंगे और इसको और एक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे लोइयों को बेलकर इसी तरह से तिकोना फोल्ड कर। यहाँ पर तेल को हम स्लो से मीडियम आंच पर रखेंगे और एक एक करके इसमें तलेंगे। तेल को इस तरह से हिलाने से तेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर जगह अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाता है।